हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए और पाइए अपने व अपने आसपास से जुड़ी खबरें वैभव क्रांति पर। नमस्कार, मैं हूं सतीश भुडाली। इसमें मौजूद हैं चौहान हाउस पलवल में। अभी थोड़ी देर पहले की इनेलो की टिकट जो फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से है, महेंद्र चौहान जो कि प्रदेश सचिव है पार्टी के, उनको मिली है। महेंद्र चौहान को बधाई देने वालों को ताता लगा हुआ है इस समय चौहान हाउस में। उनको मिठाई खिलाने के, लड्डू खिलाने के लिए और फूलों की माला पहनाने के लिए भी आ रहे हैं हमारे बीच में। चौहान साहब से बात करेंगे टिकट मिलने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है। सबसे पहले तो आपको बताइए, टिकट जो है इनेलो की टिकट है वो आपको इसमें मिली है, तो जो ये फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र का चुनाव है इसमें आप अपनी मैया पार कैसे लगाएंगे? क्या कारण होंगे जिनसे आप अपनी मैया पार लगाएंगे, पार्टी की मैया पार लगाएंगे? दरअसल सारे कार्यकर्ता और सारी जनता, इतनी भी जनता है, लगभग यही देखती है प्रत्याशी के जो उसकी छवि कैसी है। पहले प्रत्याशियों को देख चुके हैं जनता सारी और उनका जगह जगह बहिष्कार जो रहा है। एक बात मानकर चलिए है कि फरीदाबाद जो संसदीय क्षेत्र है उसमें पलवल क्षेत्र का जिला है उसमें ये पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी की टिकट मिली है। इससे पहले इनेलो से जुड़ी पार्टी जो थी उसमें चौधरी चेतीलाल वर्मा को यहाँ से टिकट दिया गया था, लेकिन चौधरी चेतीलाल वर्मा छज्जूनगर से दिल्ली जाकर फंस गए थे। पलवल जिले से पहली बार किसी नेता को टिकट मिली है, राष्ट्रीय पार्टी के से टिकट मिला है। इससे पहले थोड़ी देर कुछ दिन पहले चर्चाएं भी चली थी कांग्रेस पार्टी की टिकट के लिए, स्थानीय विधायक करण सिंह दलाल के लिए। हम चौहान साहब से बात करेंगे कि जो 19 लाख मतदाता है उनमें अपना प्रभाव किस हद तक छोड़ेंगे? प्रभाव छोड़ने के लिए हमारे पास पार्टी होती है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी की हर हलका में हर जिले में हमारी कार्यकारिणी, उस वजह से प्रचार प्रसार होता है पार्टी में। आप अपना पार्टी में इसमें चुनाव में अपना मुकाबला किससे मांगते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो पिछला 2014 का चुनाव हुआ था बड़े भारी मार्जिन से, बहुत ज़्यादा मार्जिन से कृष्ण पाल गुर्जर विजयी हुए थे, एक बार फिर से कृष्ण पाल गुर्जर यहाँ से चुनाव मैदान में? ये जरूरी नहीं है, हर बार जो बहुत मार्जिन से विजयी हुआ है हर बार बने, अब उसका उतना ही उससे भी ज़्यादा विरोध है। आज तक का जो इतिहास रहा है इनेलो आज तक कभी भी फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं जीत पाई है, आप अपनी जीत का आधार किस प्रकार से मानेंगे? क्योंकि कभी एक समय इनेलो बहुत मजबूत हुआ करती थी, आज इनेलो और जजपा वो अलग अलग हिस्से भी बंद हो चुके हैं। इनेलो ताऊ देवदार के कड़कमलों से बनी हुई पार्टी है, ये पार्टी के जो असम है, उद्देश्य है, नियम है वो अब भी वही हैं जो पहले थे। इनेलो ना कमजोर थी ना है ना इनेलो कमजोर कभी रहे। चलिए अगर बात की जाए खेल की, आप एचडी कॉलेज में कुश्ती के प्लेयर भी रहे हैं, रेसलर रहे हैं, तो ये चुनावी जो कुश्ती है इसमें आप किस प्रकार से, किस दाव से पटकनी दे पाएंगे? पटकनी तो जनता देती है सरकार, पटकनी देने के लिए तो लोकाचार जनता कार्यकर्ता जो हमारे साथ हैं वो देते हैं। तो ये थे हमारे बीच में महेंद्र चौहान जिन्हें हाल ही में टिकट मिला है, आज ही टिकट की घोषणा हुई है इनेलो की, उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है। उन्होंने ये भी बताया है कि पार्टी की नीतियाँ होती हैं, समय का होता है, जरूरी नहीं कि पिछली बार जो चुनाव जीता हो वो आज जीते। मैं सतीश भुडाली। हमारे बीच में मौजूद है फरीदाबाद के इनेलो के जिलाध्यक्ष श्री महेंद्र चौहान। आइए उनसे जानेंगे कि पार्टी का टिकट महेंद्र चौहान को मिलने के बाद किस प्रकार से तय करेंगे। चौहान साहब, आप किस पार्टी के साथ हैं? महेंद्र चौहान किस प्रकार से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं इस बार मतदाताओं को वोटों में कैसे चिन्हित करना? सबसे पहले तो मैं बड़े भाई महेंद्र चौहान जी को बधाई देता हूँ, उनको यहाँ से टिक टाक भी बनाया गया है। आपने पूछा किस तरह से एकजुट करेंगे, इनेलो पार्टी तो एकजुट है। हमारा ये चुनाव होगा इसमें लोग सवाल पूछेंगे उन लोगों से जो यहाँ से इससे पहले रहे हैं या जो पार्टियाँ जिन्होंने यहाँ पर पहले एमपी जिनका रहा है। यहाँ दुर्भावना की, देखिए दुर्भाग्य की बात है, कृष्ण पाल गुर्जर जी यहाँ से
पिछली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और ये मेरी याद में सबसे पहला अवसर है जब कोई भी फरीदाबाद का कोई सांसद यहाँ से एक केंद्रीय मंत्री रहा। हेलो कृष्ण पाल जी, अपने उस केंद्रीय मंत्री की एक भी कोई ऐसी उपलब्धि बता दें कि जो उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर फरीदाबाद के लिए जनताओं से सवाल पूछा। आज वो बात कर रहे हैं जगह जगह, वो बातें करते हैं केवल मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के नाम पर वोट दे दीजिए। ये जो प्रश्न पत्र था, जो एक क्वेश्चन पेपर के रूप में अगर मैं इसको लूं, तो पिछले 5 साल में इसमें मोदी जी तो एक उसका हिस्सा है, उनका व्यक्तिगत जवाब भी उनको देना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद की बात की, अब स्मार्ट सिटी बनने के बाद, डिक्लेयर होने के बाद बड़ा उसका एक झंडोरा पीटा गया। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए आया था, उसमें से भी अब तक केवल 33-34 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और बाकी का पैसा मुख्य 8 करोड़ 34 करोड़ में से 8 करोड़ रुपया तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है। चौहान साहब, वही बात है कि आप मोटा मोटा घर बताइए कि आज तक के इतिहास में नेहलो ने कभी भी फरीदाबाद जीता है, वो तब जब चीज जो थी नेहलो, आज नेहलो बिखराब के तौर से गुजर रही है, बुरी तरह से गुजर रही है। आपकी जो जननायक जनता पार्टी है, जो उससे टूट कर बनी है, उसने अपना बेस्ट जो दिया है जीत चुनाव में दिया है। देखिए, जो मैं किसी दूसरी पार्टी, जो हमें से गए उनमें से कुछ ऐसे चंद लोग थे जो कि किसी मौके की तलाश में वहां पे गए। नेहलो के जो मुख्य लोग थे वो आज भी नेहलो के साथ मौजूद हैं और जो मुख्य जो कार्यकर्ता है वो नेहलो के साथ ही आज जुड़ा हुआ है, उसमें किसी प्रकार का कोई बखराव नहीं है हमारे। और हम अपने इस संख्या बल के आधार पर ही इस चुनाव को जीतेंगे। हमारी पार्टी बिल्कुल मजबूत है और भाई महेंद्र चौहान जी के लिए सभी कार्यकर्ता पूरी दिन रात एक मिनट। तो क्या आप मानकर चलते हैं कि जिस जनता ने आपकी आज तक नहीं सुनी, आज 2019 में आपकी बात सुनी, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के कभी यहाँ से या किसी और पार्टी के कभी कोई एमपी रहे, फिर ऑलवेज द फर्स्ट टाइम, कभी तो शुरुआत होती है और इस साल हमें लगता है कि हाँ, ये नेहलो का ये साल है।